नमस्कार, मैं संतोष जायसवाल, आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज। मुंबई में अवैध निर्माण को लेकर महानगर पालिका हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन गोंडी शिवाजी नगर में अवैध निर्माण को लेकर महानगर पालिका का सुस्त रवैया कई तरह के सवाल उठाता है। बात 28 जून की है। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया था कि गोंडी शिवाजी नगर की चाली में चार माले का अवैध निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर करे, हुक नहीं करे, दो के मुझसे पुलिस सीएडी लेकर के हमको डरा रही है। हमको तकलीफ इतना दे रहे, हम लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। बोलते बना लेने दो, हमको क्या करें। गौरतलब है कि चालियों के घरों की ऊंचाई लगभग 14 से 18 फीट की होनी चाहिए, ये महानगर पालिका कहती है, लेकिन फिर भी चालियों में अक्सर कई महले तैयार हो जाते हैं, तो फिर महानगर पालिका का हथौड़ा क्यों नहीं चलता? इसकी जानकारी के लिए जब हम महानगर पालिका के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का जवाब था कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही नोटिस जारी करेंगे और काम पर रोक लगाएंगे। लेकिन अफसोस तब हुआ जब महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और दिन प्रतिदिन अवैध निर्माण तेजी से चल रहे हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जन विकास आवाज न्यूज को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।